गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। सर्दियाँ, विंटर्स जैसे ही आती हैं हम सब के फूड का क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें कुछ चटपटा सा, मज़ेदार सा, कुछ ऐसा जिससे हमारी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाए और कुछ ऐसा जिससे हमारी वेट लॉस जर्नी बिल्कुल इफेक्ट ना हो और साथ साथ हमारी बॉडी में हमें वीकनेस ना आए, हम फिट फील करें, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से चलता रहे। सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां आती हैं। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ रेसिपीज़ लेके आऊँगी जिसकी हेल्प से आपकी क्रेविंग हटेगी, आपका वेट लॉस जर्नी बहुत स्मूथ चलेगा और वेट लॉस जो है वो एक मज़ेदार सा आपको रिजल्ट देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये जो रेसिपीज़ मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ, ये जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही सिंपल है, किसी भी एज का ग्रुप आप बना सकते हो। अंटिल अनलेस आपको बहुत छोटी सी बेसिक कुकिंग आती हो और ये रेसिपीज़ बहुत ही क्विक है। लाइक सारी रेसिपीज़ को बनने में 5 से 10 मिनट लगते हैं अगर आप उनकी तैयारी पहले से करके रखें। मैंने अपने इस करियर में, वेट लॉस जर्नी के एंड ट्रांसफॉर्मेशन के करियर में, बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कुकिंग से भागते हैं कि हमें कुछ ईजी सा दे दो, कुछ सिंपल सा दे दो जिससे हमें कुक ना करना पड़े। बट पॉइंट इज़ कि ईजी और सिंपल सी चीज़ें आप अभी तक खाते आ रहे हो। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको अपना वेट लॉस जर्नी चाहिए, आपको कुकिंग करना पड़ेगा और एग्जैक्टली सेम कुकिंग करना पड़ेगा जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है। अदरवाइज आप चल ही रहे हैं अपने हिसाब से, आपको कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये जो रेसिपीज़ हैं ये बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही टेस्टी है, बहुत बहुत ही टेस्टी है। 3-4 दिन से बारिश है और मुझे बहुत क्रेविंग हो रहा था, सो मैंने ये रेसिपीज़ कुछ बनाई हैं जिसकी हेल्प से मेरा क्रेविंग ख़त्म हुआ है। एंड ये जो रेसिपीज़ हैं मैं विंटर्स के वेट लॉस डाइट जो मैं अभी लेके आने वाली हूँ उसके अंदर ऐड करूँगी। एंड ये बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ हैं, बजट फ्रेंडली हैं और बहुत ही ज़्यादा यमी है। सो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं किचन में और बनाते हैं मेरे top 3 डिलीशियस रेसिपीज़ जिसको हम ले सकते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तीनों के अंदर हम ये रेसिपीज़ ले सकते हैं अपने वेट लॉस जर्नी में। सो चलते हैं किचन में और बनाते हैं रेसिपी नंबर 1। ऑलराइट जी, सो फर्स्ट रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं मेथी राइस। सो ये रहे मेरे पास ब्राउन राइस, आधी कटोरी मैंने सोख कर रखे हैं। ये रही मेरे पास मुट्ठी भरी मेथी, वॉश कर रखे, धो रखे। और ये रहे प्याज, 5 मिनट में बनाएंगे। इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच जितना ऑयल। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जीरा, जैसे ही मेरा जीरा भुन जाएगा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारे ब्राउन राइस। ये ब्राउन राइस मैंने पूरी रात सोख करके रखे हुए थे तो ये 3 से 4 विसल में बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी मुट्ठी भर मेथी। नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल देंगे सॉल्ट, हल्का सा नमक और हल्का सा हल्दी। इसके अंदर मैंने डाला है 1.5 कटोरी जितना पानी और ये जो पानी मैंने डाला है ये ऑलरेडी गर्म है ताकि विसल आने में हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे। परफेक्ट, 4 विसल लगवाएंगे हम, 1 तेज आंच पे 3 सिम आंच पर। परफेक्ट, डन। गैस बंद। इसके साथ हम लेंगे हमारी हरी चटनी। और उसके साथ हमें चाहिए थोड़ी सी सैलेड, कोई सी भी सैलेड आप अपने साथ पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी हम बना रहे हैं कैप्सिकम रोल। उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे 1 आलू एंड इसको हम बहुत ही स्मॉल पीसेस में कर लेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मुझे डालनी है कैरेट, गाजर, ये मैंने बिल्कुल ग्रेट कर रखी है गाजर को। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए हैं प्याज। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा पनीर,
थोड़ा सा पनीर, ये घर का बना पनीर है, आप टोफू पनीर यूज कर सकते हैं या फिर मार्केट का पनीर भी आप यूज कर सकते हैं, घर का बना हुआ भी। अब हम इन सबको बहुत अच्छे से मैश करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सॉल्ट, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मेरी कस्तूरी मेथी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑफ अजवाइन, नेक्स्ट इज पिंच ऑफ हिंग पाउडर, नेक्स्ट इज सूखा धनिया पाउडर, नेक्स्ट इज भुना हुआ जीरे का पाउडर। इन सबको अगेन हम मिक्स करेंगे दोबारा से। सो ये जो मिक्सचर है हमारा, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं स्टफिंग की। सो ये रही मेरे पास शिमला मिर्ची, एक पर्सन के लिए हम दो शिमला मिर्च लेंगे। को खूब अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। ओके जी, ये हमारा कैप्सिकम जो है बिल्कुल क्लीन हो गया अंदर से। सो अब हम ये जो स्टफिंग है इसके अंदर हम फिल करेंगे। ओके जी, अब हम बनाएंगे इनके रोल। ओके जी, सो ये रहा हमारे पास घी। इसको हम कवर कर देंगे और इसको खूब अच्छे से पकने देंगे सिम आंच पर, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए सिम आंच पर। रेडी। एक बारी में कोई भी पर्सन 5 स्लाइसेस खा सकता है, विच मीन्स एक बड़ी शिमला मिर्ची या फिर 2 छोटी शिमला मिर्ची। ओके जी, नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाले बैंगन ब्रिंजल। सो ये है मेरे पास बेसन, और ये ऐसी सब्जी है जो आप रोटी चावल के साथ खा सकते हो, एज अ सैलड भी खा सकते हो। सो ये रहा मेरे पास बेसन, मैंने डाले 2 चम्मच जितना बेसन। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे अजवाइन, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी कस्तूरी मेथी, हिंग पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। उसको खूब अच्छे से हमने मिक्स करा है और अब हम डालेंगे पानी। इसका काफी थिक पेस्ट बनाएंगे हम। ओके, ये रहा हमारे पास बहुत ही सुंदर सा बैंगन। इसके हम राउंड राउंड स्लाइसेस कट करेंगे। परफेक्ट। ओके जी, सो ये रहे मेरे बैंगन और ये रहा मेरा बेसन। तो खूब अच्छे से हमने इस पे सेट करा और इस मिक्सचर के साथ पकने लग दिया।
ओके बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसको कुक करेंगे फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स सेम आंच पर। ओके सो दिस इज रेडी एंड इसको हम डिनर और लंच में ले सकते हैं। वेलकम बैक जी। अगर अब आपको क्रेविंग होगी विंटर्स में बारिशों में, देन मेक श्योर आप बेसन ब्रिंजल बनाना। ये ब्रिंजल के पकौड़ों का एक हेल्दी वर्जन है एंड ये बहुत ही यम्मी है। टू बी ऑनेस्ट, कुक करने के बाद मैंने 2 तो मैंने ही खा लिए थे। सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। मैं अपकमिंग वीडियो में लेके आने वाली हूँ वेट लॉस पिज्ज़ा एंड हमारा एक और यम्मीएस्ट रेसिपी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी वेट लॉस पिज्ज़ा, बहुत ही यम्मी है, क्रेविंग्स किल करता है और उसको हम ब्रेकफास्ट और लंच में दोनों में ले सकते हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। सो टेक केयर जी, थैंक यू एंड आई सी यू इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।